रजवाड़ों को बंदर कहने पर फंसे परेश रावल, करणी सेना ने भाजपा को दी चेतावनी। मशहूर अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल अक्सर अपने बयानों को लेकर विवाद से घिरे नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही बयान उन्होंने पिछले दिनों दिया था। हाल ही में परेश रावल ने ट्वीट करके राजा महाराजाओं को बंदर कहा था। उनके इस ट्वीट के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। कई लोगों ने इस बयान का विरोध भी किया। परेश के इस बयान के बाद करणी सेना ने विरोध किया। हालांकि विरोध बढ़ता देख परेश ने ट्वीट के माध्यम से राजपूत समुदाय से माफी मांग ली है। करणी सेना ने अमित शाह को लिखा पत्र। करणी सेना ने परेश रावल के बयान पर नाराजगी जताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें सेना ने भाजपा से कहा है कि वो खुद परेश रावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। इसके साथ ही सेना ने कहा है कि परेश रावल को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी उनके बयान पर अपना रुख साफ करें। परेश रावल देश के 566 राजा रजवाड़ों के वारिसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगे। करणी सेना ने दी चेतावनी। करणी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भाजपा ने ऐसा नहीं किया तो राजपूत समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों का विरोध करेगा। करणी सेना ने कहा है कि परेश रावल के बयान से राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए जाएं। परेश ने मांगी माफी। परेश रावल ने राजपूत समुदाय से माफी मांगते हुए कहा कि मैं राजपूत समुदाय के लोगों से बिना शर्त माफी मांग रहा हूं। मुझे नहीं पता मैंने ऐसी बातें क्यों कही। किसी भी समुदाय को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। रावल ने कहा कि उन्होंने राजपूतों को नहीं बल्कि बंदर की तरह उछलकर पाकिस्तान की गोद में बैठ जाने वाले हैदराबाद के निजाम को लक्ष्य कर ऐसा कहा था। इसके बावजूद अगर उनके बयान से राजपूत समाज की भावना को जरा भी ठेस पहुंची है तो उन्हें इसके लिए खेद है और माफी मांगते हैं। सरदार पटेल का किया था जिक्र। आपको बता दें कि शनिवार को राजकोट में भाजपा सांसद परेश रावल ने एक सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश को एक किया था, ये राजा रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था, सीधा किया था। पटेल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, जबकि JRD टाटा ने भी कहा था कि सरदार पटेल अपने प्राइम मिनिस्टर होते तो देश कहां का कहां पहुंच गया होता।